बहुत उत्साह भरा माहौल है। आज ये खुशियों का दिन है और ये जो खुशी आज हमें मिली है इस हमारी ग्रेट मैनेजमेंट माई लाइफस्टाइल, जिसे जितना धन्यवाद दे उतना कम है, ऐसे मेरे ग्रेट मैनेजमेंट मेरी कंपनी माई लाइफस्टाइल को तहे दिल से वंदन करता हूँ। आज आप यहाँ से बहुत कुछ आपने देखा, कईयों को सुना, कई लीडर को सुना आपने, उनका मान सम्मान देखा, बहुत कुछ सीखा होगा। एक चीज बात जो समझ में आई होगी वो ये है, इस हमारे माई लाइफस्टाइल के अंदर तकरीबन 70-80% लोग उस समाज से आते हैं, उस देश के उस हिस्से से आते हैं जहां पे अभी भी शायद हम आजाद भारत में हैं लेकिन फाइनेंशियल आजादी अभी तक नहीं है, बड़ी मुश्किल वाली हालत में आते हैं। आपने जितने लोगों को सुना होगा उन लोगों ने क्या कहा आपको, मैं किसी गांव से आया हूं, शायद मेरा घर भी नहीं था, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जोश और जुनून लेके आए और इस माई लाइफस्टाइल के सिस्टम को पकड़ा और उसको पकड़ के रखा और काम करते गए करते गए करते गए और आज यहाँ पे कोई मर्सिडीज, कोई BMW, कोई ऑडी, कोई जगवार, ऐसी लग्जरी गाड़ियों के साथ आज इस स्टेज पे आया है। सोच के देखिए इस माई लाइफस्टाइल का करिश्मा क्या है। ऐसी ग्रेट माई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और जो भी यहाँ पे बैठा व्यक्ति है, शायद उस कोने में बैठा हो, उस कोने में बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे, जहां कहीं पे भी आप बैठे हो, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बाहर की दुनिया में इस बिजनेस को लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आपने यहां पे अपनी आंखों से देखा है उनकी सक्सेस को, महीने के लाखों रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक जिंदगी में कमाए हुए लोग, और इनकी उस जुबान को आपने सुनी है आज। मुझे पता बड़ी तकलीफ लेके आए होंगे, अलग अलग गांव से, अलग अलग जिले से, अलग अलग तालुका से आप आए होंगे, कुछ लोग कल रात को निकले होंगे, सुबह जल्दी निकले होंगे, शायद कुछ लोग खाना खाए होंगे चाहे नहीं खाए होंगे, लेकिन कई घंटे से यहां आप बैठे हैं। उस बैठने के पीछे एक वजह है और वजह यह है, मेरी जिंदगी की इस तकलीफ को मैं कैसे दूर करूं, ऐसा क्या हो मेरी लाइफ में कि मैं भी वो सुख सुविधाएं मैं भी ले सकूं। यह आज आपके मन में कहीं तो होगा, एक आग लगी होगी आपको, अरे यार ये लोग इतना बता रहे, इनके लाभ लाइफ में हो सकता है तो मेरी जिंदगी में कैसे हो सकता है, मैं कैसे पा सकता हूं। एक ही मंत्र है उसके लिए, आप इस बिजनेस को पकड़ के रखिए, जैसे आपके ग्रेट लीडर जो आपके सीनियर्स हैं जो आपको सिखाते हैं वैसे काम करते जाइए, और जैसे आलोक सर ने कहा 5 साल 7 साल 10 साल, बस कुछ साल आपके लगेंगे, मैं नहीं बोलूंगा 10 साल लगेंगे, लेकिन हाँ 4 से 6 साल अगर आप दे देते हो, आप यहाँ पे आके बोलोगे, आपकी भी ऐसी तस्वीर लगेगी, आप भी माणिक जाधव सर के जैसे बोलोगे मैंने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लिए हैं। वो समय है आज, ये है माई लाइफस्टाइल। इस मैनेजमेंट की आप क्या कहूं इनकी बात के लिए, हम बड़े सौभाग्यशाली ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हमें मिले हैं। पता कल राजस्थान में थे, उदयपुर में, कल में भी जब इनसे बात हुई, राजस्थान के उदयपुर से फ्लाइट लेके दिल्ली गए, सोच के देखिए, दिल्ली से फ्लाइट लेके नागपुर गए और नागपुर से ट्रेन लेके अकोला आए, किस लिए, क्या जरूरत है ये तकलीफ इनको सहने की, क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता इस तकलीफ के लिए कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा देती है, कुछ नहीं देती है मैं जानता हूं, लेकिन एक जो प्यार है इस बिजनेस के प्रति, एक जो जुनून है इस बिजनेस के प्रति, उस व्यक्ति का सम्मान करने के लिए आज ये इतने दूर से आए हैं, जिस व्यक्ति ने साबित कर दिया जब जिंदगी में कुछ भी नहीं था इस माई लाइफस्टाइल का साथ था और उस साथ ने आज उनको हीरो बना के खड़ा कर दिया, उस सम्मान के लिए आज आए हैं। ऐसे ग्रेट वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री आलोक पांडे सर को तहे दिल से वंदन करता हूं सर, आपकी मेहनत, आपने सबके लिए तालियां बजाई, यार सबके लिए रियली बताता हूं दिल से ताली होनी चाहिए। सच बोलता हूं हमारे मैनेजमेंट में हमारे गॉडफादर से लेकर के जिन्होंने हम सब लोगों की एक सोच बनाई है, जितने लीडर की सोच उससे कई गुना ज्यादा हमारी मैनेजमेंट की सोच है, चाहे हमारे ग्रेट CEO मिस्टर कैलाश भट्टर सर हो, हमारे CEO सलील मेथू सर हो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील सिंह सर हो,
या आलोक पांडे सर सब और सारे आवे जितने रीजनल मैनेजर है, हेड्स ऑफ है, ये लोग नौकरी नहीं करते, ये लोग माई लाइफ स्टाइल को जीते हैं। ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट की खासियत है जो किसी कंपनी में नहीं मिलती है, इसीलिए माई लाइफ स्टाइल नंबर वन पे खड़ी है आज। ये ताकत है इसकी। और आज उस व्यक्ति का दिन, आज हमें बोलने का दिन नहीं है। आप तो हमें कई बार सुन चुकते हो, हम जूम पे आते हैं, मीटिंग में आते हैं, और काफी यूट्यूब पे भी वीडियोस मिलते होंगे आपको। लेकिन आज उस व्यक्ति को उसका मान सम्मान करने का दिन है, जिनके लिए क्या कहूं, शब्द कम है। उनकी जैसी सोच बनाना, उनके जैसे जब सब कुछ बिखर गया हो, सब कुछ। 2013 एक ऐसा साल था हमारी जिंदगी में, 2011-12 से हमने बहुत स्ट्रगल झेले। यानी मैं ये बोल सकता हूँ, हम लोग एक वक्त ऐसे थे जमीन चुट के आसमान पे गए थे, और अचानक एक आंधी का झोंका ऐसे आया कि उस आसमान से गिरे तो सीधे जमीन, जमीन नहीं जमीन के नीचे चले गए थे। वो 2013 का दिन जब हमने अपनी माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत की थी, एक नई संकल्पना, एक नई सोच के साथ। और 2013 में जब माणिक जाधव सर जी हमारे साथ थे, तो दुख की बात ये थे, जाधव सर तो थे लेकिन जाधव सर के साथ कोई नहीं था उस वक्त, कोई नहीं था। उनके बीच के सारे सीनियर्स जा चुके थे, उनकी टीम के कई लोग जा चुके थे।